मॉर्निंग, वेलकम टू क्वीन संगीता ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है महाशिवरात्रि का पारण का दिन। तो कल मैं बताई थी कि कल मैं फास्ट की थी, तो आज मैं चना और वो मटर का घुगनी बना रही हूँ। और अभी तक कुछ खाई नहीं हूँ, बस अभी लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी और बच्चे को स्कूल छोड़ूंगी, तब कुछ खाऊंगी। और देखिए यहाँ पे बाबू का मैं टिफिन भी रेडी कर दी हूँ, ये आज उसको रोल बना कर दे दी हूँ। मतलब ऐसे ही बीच में थोड़ा किशमिश का जो रात में बनाई थी ना खीर टाइप का, वो उसको डाल दी, उसको रोल बना दी। फिर अंगूर उंगूर भी डाल दी उसका टिफिन में। और यहाँ पे मैं अभी चना और मटर को बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे चाय बनाई थी मेरी काम वाली दीदी के लिए। और बड़ा वाला अभी तैयार हो रहा है, स्कूल ड्रेस पहन रहा है। और इधर मेरा छोटू सो रहा है। तो मेरे यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी देखिए मैं जल दे दी हूँ सुला के उठा के। अभी इसको स्नान करूँगी, इसको स्कूल छोड़ दूँगी, तब फिर मैं स्नान करूँगी। मैं स्नान कर ली हूँ, लड्डू को स्नान करवाऊंगी। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो फ्रेंड, मैं बाबू को छोड़कर स्कूल से आ गई हूँ। और आने के बाद मैं ये देखिए मैं लड्डू गोपाल को अपना नहला के तैयार कर दी और अच्छे से इसको भोग वोग भी लगा दी हूँ मैं। और बस पूजा तो अभी नहीं होगा, तो मेरा यहाँ पे छोला भी उबल गया है। मैं आई तो देखी मेरा छोला उबल चुका है, खाती हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे छोला उबल चुका है। तो फैमिली देखिए इसका गुड मॉर्निंग हो गया, ये अभी उठ गया। मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही थी, अपना बना रही थी छोला घुगनी जो भी, और ये उठ के महाराज जी ये उठ गए हैं, उठ के बैठे हुए हैं, कुछ तो बोल भी नहीं रहे। क्या हुआ? देखिए देखिए कैसे कर रहा है गुड मॉर्निंग कर बोल दो, बोल दो, बोलो हेलो गाइज, बोलो हेलो बाय, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो फैमिली अब ये उठ गया, अब इसके पीछे मुझे 1 घंटा लगेगा। इसको अभी ब्रश करवाऊंगी। दांत दिखा, तो ब्रश करेगा, दांत दिखा, इधर इधर गाइज को दिखा। देखिए इसका दांत देखिए, अभी ये ब्रश करेगा, इसको कुछ खाने के लिए दूंगी, तब फिर आप लोगों से मिलाऊंगी अच्छे अच्छे फ्रेश होकर के। बाय बाय कर देगा। हाय एवरीवन, देखिए अभी हमारा बन गया है यहाँ पे छोला। ये छोला हमारा बन गया घुगनी मटर और चना का। और यहाँ पे मेरा बेटू खा रहा है, देखिए इसको मैं दे दी हूँ खाने के लिए। ये फ्रेश हो गया, देखिए सुंदर लग रहा है कि नहीं बताइएगा कमेंट करके हंस के दिखा दो इसका स्माइल देखिए, हंसने बोलेगा तो हंस देगा, रोने बोलेगा रो देगा, सब तरह का नौटंकी करता है ये। तो ठीक है फैमिली, मैं मिलती हूँ, इसको खिला लेती हूँ, फिर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और मिलती हूँ खाना बनाने के टाइम में। हाय एवरीवन, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं घर आ गई हूँ। अपना बेटा को स्कूल लेकर, स्कूल से लेकर के आ गई हूँ। और इन लोगों को मैं नाश्ता दे दी थी खाने के लिए, जो घुगनी बनाई थी, मुड़ी घुगनी ये खाया है। और टिफिन में भी रोटी दी थी, कोई खाया नहीं। टिफिन ये ऐसे ही करता है, कभी कभी खाता है कभी नहीं खाता है। एग्जाम मैथ नहीं खाते, तो अभी एग्जाम चल रहा है इसका। आज मैथ का कॉपी था, तो आज मैथ का बनाया है थोड़ा बहुत शायद छोड़ा है, पता नहीं रिजल्ट बताएगा क्या किया है। और अभी मैं किचन में भी आ गई हूँ, देखिए मैं सब्जी काट ली हूँ। ये मैं पत्ता गोभी और सेम, आलू, टमाटर, मतलब सारा मिक्स करके आज मिक्स वेजिटेबल में बनाऊंगी। और यहाँ इधर चावल भी चढ़ रहा है, और देखती हूँ दाल अगर ये लोग खाएंगे तो बना दूंगी, नहीं तो मैं सोच रही हूँ आज सब्जी चावल ही बनाऊंगी। और छोला भी पड़ा हुआ है जो दिन का घुगनी सुबह बनाई थी, जो घुगनी वो भी है अभी। तो बस आज का लंच यही रहेगा, तो मिलते हैं खाना बनाने के बाद। अभी दोनों खेल रहा है मेरा। तो हे एवरीवन, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं खाना बना ली हूँ और मेरे बच्चे लोग अभी खेल रहे थे। फिर देखिए मैं क्या क्या बनाई हूँ आज खाने में। तो यहाँ पे मेरा मिक्स वेजिटेबल है, और ये चावल है, और ये जो छोला है भुनी चना मटर का, तो मैं यही सब बनाई हूँ आज, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ। सब्जी चावल मुझे मन किया खाने का, मेरे बेटे लोग भी खा लेते हैं। तो अभी मैं खाना निकाल दी हूँ।
हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, टाइम देख लीजिए आप लोग, अभी 5:30 बजने वाला है। और मैं ये कपड़े उठा ली हूँ, अभी समेटूंगी। और मेरा दोनों बाबू अभी सो रहा है और मैं भी सो गई थी दोपहर में खाना खाने के बाद, इसलिए कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और बस इसीलिए मैं कुछ वीडियो बना ही नहीं पाई, सो गई फिर। देखिए मेरा आँख कितने फूले फूले लग रहे हैं। और अच्छा है, शाम का टाइम मैं यहीं पर अपना बैठी रहती हूँ, ऐसे ही कोई काम नहीं। अभी थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाऊँगी, कुछ बेचने आया है रोड में इसलिए आवाज़ आ रही है। तो गाइज अभी मेरे बड़े वाले बेटे को पढ़ाने के लिए मैम आएगी 6 बजे के करीब, तो इसी वजह से मैं उसको उठाऊँगी अब। और बस फ्रेश हो जाएगा थोड़ा, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दूँ, फिर वह पढ़ेगा अपना अच्छा से। और फिर मिलती हूँ शाम में, खाना क्या बनाती हूँ तभी देखिए। तो मैं बेटा को पढ़ा रही थी क्योंकि उसका परसों एग्ज़ाम है, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी रहेगा, लेकिन परसों एग्ज़ाम है उसका मैथ का, इसी वजह से मैं उसको पढ़ा रही थी कि थोड़ा पढ़ लेगा। और ऐसे मैम तो उसकी पढ़ाती है, लेकिन फिर भी घर में माँ पापा को भी थोड़ा बैठना ही चाहिए बच्चे के पास। तो ये पापा के पास तो पढ़ता है नहीं, माँ के पास ही जो पढ़ता है, तो फिर मैं ही इसको बैठाती हूँ, थोड़ा खाना वाना बनाने के बाद मैं उसके पास ही बैठना पड़ता है। और छोटा वाला भी उसको परेशान करता है, इसलिए मैं वहाँ पर देखती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे बैठना पड़ता है, बच्चा को थोड़ा स्टडी कराना पड़ता है। एग्ज़ाम के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही माँ पापा को अपना ध्यान देना चाहिए बच्चे को। हाय एवरीवन, देखिए अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाई हूँ आज। देखिए ये डिनर में हम लोग का खिचड़ी है, ये खिचड़ी और ये चोखा सब्जी है दिन वाली। तो मेरा आज यही है रात का डिनर। तो बच्चे लोगों को मैं अभी पढ़ा रही थी और छुट्टी दे दी, तो इसी वजह से वो लोग हल्ला कर रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी। और आज इसलिए मैं खिचड़ी बनाई क्योंकि आज शनिवार था, तो मैं सोची कि चलो खिचड़ी बना लेती हूँ, और वो रात के लिए अच्छा होता है, पेट भी सही रहता है खाने से, और बच्चे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो बच्चा लोग के लिए ही मैं बनाई, इसमें सारा वेजिटेबल मिला के बना दी हूँ, मैं कुकर में ही बना ली हूँ। देखिए ये कुकर मेरा बन गया है। और बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।